प्रिय छात्रों, मैं प्रेम कुमार सिंह आज विज्ञान के इस अद्भुत माध्यम से आप तक पहुंच रहा हूं। अपने कक्षा 6 के प्रिय छात्रों के लिए व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका से पाठ 1 पर आज परिचर्चा करेंगे और इस परिचर्चा में सम्मिलित होने से पहले कलम और कागज के साथ तत्पर हो जाइए ताकि इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सावधानी पूर्वक लिख सकेंगे, जिससे आगे आपको बहुत कुछ इस पाठ से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि पाठ 1 में हमें भाषा और व्याकरण के संदर्भ में चर्चा करनी है, इस चर्चा में हम मुख्य 4 बिंदुओं पर आपसे आज बात करेंगे। पहला कि हम इस पाठ के संदर्भ में भाषा क्या है, एक इस प्रश्न पर आपसे हमारी चर्चा होगी। दूसरा, भाषा को प्रकट करने के माध्यम कितने हैं, भाषा जो हम आपसे कुछ बोल रहे हैं और आप उसे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुनकर समझ रहे हैं, यही तो भाषा है। या आप जब किसी से कुछ कहते हैं और उसके द्वारा समझ करके जो बात आपसे कही जाती है, वह भाषा का आदान प्रदान है। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा सहज और सरल है यह बताना कि भाषा क्या है। भाषा के संदर्भ में आप पहले की कक्षाओं में भी पढ़ करके आए हैं, यहां भी एक चर्चा होने को है। तो आपको बता दें कि भाषा क्या है। भाषा विचार अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। क्या है भाषा? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। और इस भाषा को जब हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं, इसके 3 माध्यम बताए गए हैं। पहला, लिखकर यानी लिखित। दूसरा, बोलकर अर्थात मौखिक। और तीसरा, इशारे के माध्यम से भी, वो भी एक साधन है, एक माध्यम है अपने बात को प्रकट करने का, अपने विचार को प्रकट करने का, अर्थात सांकेतिक। ये भाषा प्रकट करने के 3 माध्यम हैं या 3 साधन हैं। इस प्रकार से इसे कहेंगे, भाषा प्रकट करने के जो माध्यम है वो 3 हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। हमने देखा भाषा क्या है, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, और इसे प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का हम उपयोग करते हैं वो 3 है,
लिख करके, बोल करके या इशारे से, अर्थात लिखित, सांकेतिक, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो मैं समझता हूं इन दिन दो तथ्यों पर आप स्पष्ट हो लिए हैं, पहला कि भाषा क्या है और दूसरा भाषा प्रकट करने के स्वरूप क्या हो सकते हैं। अब इन दो प्रश्नों पर आप महत्वपूर्ण जो ये दो प्रश्न हैं, इससे आप बिल्कुल अवगत हो गए कि भाषा क्या है और इसे प्रकट करने के माध्यम क्या हैं। अब तीसरा बिंदु यानी तीसरे स्थान पर व्याकरण, आपको बता दें कि व्याकरण भाषा से पहले इसका निर्माण नहीं है, पहले भाषा ही बनी। भाषा को सुनियोजित और एक सुंदर स्वरूप प्रदान करने के लिए व्याकरण जैसे शास्त्र को लाया गया। अब व्याकरण भाषा को सुदृढ़ करने में, उसे सुंदर बनाने में, उसके शुद्ध स्वरूप की जानकारी देने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना भाषा को सुंदर नहीं बनाया जा सकता। नियमों का एक संकलन व्याकरण है जो भाषा को नियंत्रित करता है। भाषा को नियंत्रित करने में व्याकरण की अहम भूमिका है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मोहन जा रही है, आप मुस्कुराए क्योंकि ये गलत हो रहा है। कैसे आपने जाना कि मैंने गलत कह दिया? मोहन जा रही है ये तो गलत है, लेकिन क्यों गलत है? आप तो समझ रहे हैं कि मैंने मोहन के जाने की बात कही है, तो ये भाषा क्यों नहीं है? जब आप समझ रहे हैं कि मैंने मोहन के जाने की बात कही है, लेकिन ये गलत इसलिए है कि व्याकरण इसे रोकता है, कहता है कि नहीं ये भाषा दोष है, और इस दोष को मुक्त करने के लिए व्याकरण ने अपने नियम बनाए हैं, और उस नियम के अनुसार मोहन जा रही है गलत है, और ये बताने के लिए व्याकरण की जानकारी हमें आवश्यक है। तो ये प्रश्न उठता है कि व्याकरण क्या है? लगभग बात कुछ समझ में आ गई होगी आपको। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध स्वरूप की हमें जानकारी मिलती है। भाषा के शुद्ध स्वरूप की जानकारी के लिए व्याकरण का अध्ययन अति आवश्यक है। तो हमने महसूस किया कि भाषा से व्याकरण का निर्माण हुआ है, व्याकरण बनाया गया भाषा से, पहले भाषा फिर बाद में व्याकरण है। अब व्याकरण को अलग अलग भाग में बांट कर अध्ययन किया जाता है। व्याकरण को
जिन भागों में बांटा गया, जिन विभागों में बांटा गया, वे पांच विभाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। इन विभागों की परिचर्चा अगले पाठ में अलग अलग समय पर की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि व्याकरण के इन विभागों में हमें किन किन बातों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो आज के इस पाठ में हमने देखा कि भाषा क्या है, भाषा को प्रकट करने के माध्यम कितने हैं, व्याकरण क्या है और व्याकरण के विभाग कितने हैं। अब इस परिचर्चा में हमने दो बातें स्पष्ट कही और समझ में भी आ रही है कि व्याकरण भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। अगर व्याकरण को हटा लिया जाए तो भाषा का स्वरूप कैसा होगा? हमारी भाषा अनियंत्रित हो जाएगी और उसकी सौम्यता, उसकी सुंदरता जो है वह ऐसे नहीं बन पाएगी जिससे व्याकरण के आने के पश्चात भाषा को हमने सुदृढ़ किया। तो व्याकरण की महत्ता भाषा को सुंदर बनाने, स्वच्छ और शुद्ध बनाने में महत्वपूर्ण स्वरूप भाषा का, भाषा का स्वरूप सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है व्याकरण। इस परिचर्चा में आपने जिन बातों को समझा और सीखा उनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे, तो चलिए उन प्रश्नों को साथ साथ लिख लीजिए। पहला प्रश्न, जैसा कि लिखा है, भाषा क्या है? दूसरा प्रश्न, भाषा को प्रकट करने के माध्यम कितने हैं? और तीसरा, व्याकरण क्या है? और चौथा प्रश्न, व्याकरण के विभाग कितने हैं? अब इन प्रश्नों का उत्तर आप जब कक्षा में उपस्थित होंगे तो अपने प्रश्न उत्तर पुस्तिका पर इसे लिख करके ले आएंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने इस पाठ में जो अनुभव किया और जो सीखा वो कितना अपने पास रख पाए हैं। अब इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न जो आपके मन में उभरते हों तो उन प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं, है ना, हमारे इसी माध्यम से। तो आज हम इस पाठ को अपनी दृष्टि से खत्म कर रहे हैं। आपको अगर इसमें से कुछ और जानने की उत्सुकता हो और पूछने की जिज्ञासा तो आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।